इस कल्चर का नाम जो है वो सिन्फ़े आहन दिया गया, सिन्फ़े आहन, ताकि यानी कि जो सिन्फ़े नाजुक समझा जाता है एक औरत को। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने तख्लीक का फ़न जौन सा है वो इंसान को भी अता किया हुआ है, और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं ये जो स्कल्पचर लगा हुआ है इसमें 180 किलो से ज़ायद वायर यूज़ की गई है, और ये पाकिस्तान का पहला स्कल्पचर है जिसमें जो वायर से बना है, वायर स्कल्पचर है। और ये किसने तख्लीक किया है, क्यों तख्लीक किया है, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त इसके जो तख्लीक कार हैं अली हसन वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है थोड़ी, और क्यों ये आइडिया इनके पास आया, और इसको बनाने का मकसद क्या था। अच्छा अली, ये बताइएगा कि ये स्कल्पचर आपने बनाया है तो इसको बनाने का मकसद क्या था आपका? इसको बनाने का मकसद ये था कि हम जो है और हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उनका एक हौसला अफजाई मिले, ताकि जिसमें वो जो है वो हर एक शोबे के अंदर जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन कर सकें, और उनके अंदर वो जज्बा पैदा हो कि वो एक तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। जैसे कि ये एक आर्चरी का स्कल्पचर है, तो आर्चरी का स्कल्पचर होने के साथ साथ जो है ये एक एम्पावरमेंट शो करवा रही है। जब ये चीज़ें कंबाइन होती हैं तो एक औरत को जो इससे मैसेज जा रहा है वो उनके अंदर वो इंकरेजमेंट पैदा करेगा, जिससे वो एक बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर सकेंगी, उनको अपने आप पे खुद एतमादी होगी, और वो बाकी शोबों की तरह जो है वो ममालिक की तरह इन शोबों में भी तरक्की कर सकेंगी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगी। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया स्कल्पचर का? इस स्कल्पचर का नाम जो है वो सिन्फ़े आहन दिया गया, सिन्फ़े आहन, ताकि यानी कि जो सिन्फ़े नाजुक समझा जाता है एक औरत को, उनको कुछ शोबों में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता कि वो नाजुक हैं, वो ये नहीं कर सकती, तो इससे ये मैसेज डिपेक्ट हो रहा है कि उनको आगे जाने के लिए, उनको तरक्की के लिए आगे उनको हौसला अफजाई की जाए, ताकि इसमें अजय कहीं ये जो सिन्फ़े आहन हमारा एक बड़ा मशहूर ड्रामा भी हुआ हुआ है, क्या उससे तो आइडिया नहीं चोरी कर लिया आपने? नहीं, इट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट आइडिया, और डेफिनेटली रिलेट आप करते हैं, बहुत सारे लोगों ने जो पब्लिक आवाम ने इसको जो रिलेट किया है वो सिन्फ़े आहन से किया है, और इसका मकसद जो है वो डेफिनेटली यही है कि एक औरत की हौसला अफजाई की जाए और जो औरत के अंदर छुपी हुई ताकतें हैं उनको बाहर निकाल। इस पर कोई अप्रिसिएशन मिली, कहाँ कहाँ से मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिसिएशन मिली है, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के, हर इवन द फॉरेनर्स, इस्लामाबाद इज़ अब फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स ने जो है बहुत अप्रिशिएट किया है कि इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ देखी है कि जो बाकी ममालिक के अंदर उन्होंने देखी है, और पाकिस्तान में ये देख के उनको भी पता लगा कि हमारे पास भी ये है। अच्छा, ये स्कल्पचर कैसे, ऐसा स्कल्पचर कहीं दुनिया में मौजूद है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, और कितना एक मटीरियल इसमें यूज़ किया गया? इसमें तकरीबन 180+ kg इसमें स्टील वायर यूज़ की गई है, 3.5 माह की मुद्दत में इसको तैयार किया गया है, और दुनिया के अंदर इस नेचर का स्कल्पचर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज देर इज़ नो स्कल्पचर एग्जिस्टिंग जो कि इस तरह की डिपिक्शन के साथ और वायर मीडियम के साथ इतना फॉर्म्ड स्कल्पचर बनाया गया। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अगर इसको 180 kg को अगर हम किलोमीटर्स में करें तो कितने किलोमीटर्स बनते हैं, कितनी वायर होगी एक अंदाज़ा? ऑलमोस्ट 1 kg जो इसमें गेज यूज़ की गई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1.5 किलोमीटर तकरीबन 1.4 किलोमीटर वायर बनती है पर kg के हिसाब से। ठीक है, और कुछ इस तरह के स्कल्पचर मज़ीद बना रहे हैं आप, कुछ इस पर काम किया है आपने? जी, मैं बहुत सारे मीडियम्स पर काम कर रहा हूँ, इसमें टायर के भी स्कल्पचर्स हैं, उसके अलावा सिरेमिक के भी स्कल्पचर्स हैं, ड्रिफ्टवुड के भी स्कल्पचर्स हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मज़ीद पज़ीराई मिली तो इंशाल्लाह मैं और भी स्कल्पचर्स है डिफरेंट मीडियम्स के साथ इंस्टॉल करूँगा कि जो इससे पहले कॉमनली अवेलेबल है। बिल्कुल, थैंक यू अली आपका। नाज़रीन, ये थे अली जिन्होंने हमें बताया जो इसके मौजूद हैं इसको तख्लीक करने के। लेकिन ये नाज़रीन जो स्कल्पचर लगा है ये एक स्कल्पचर मुजस्मा तो है, लेकिन इससे कई किस्म के मैसेजेस जोन से हैं वो डिलीवर हो रहे हैं।
आप लोगों को इससे क्या मैसेज मिल रहा है ये आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी आपकी सोच का अंदाज़ा हो सके। शुक्रिया।